हादसे में सीडीएस विपिन रावत के निधन पर सेना निवृत्त कर्नल अजय कोठियाल ने दुख जताया। नेशन वन के संवाददाता से बातचीत के दौरान अजय कोठियाल ने सीडीएस विपिन रावत के पुराने लम्हों को याद किया और बोले, मेरे मेंटर थे विपिन रावत। सर देखा जा रहा है जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण जो हमारे जवान थे 14 के 14 लोग वो शहीद हो गए, जनरल विपिन रावत जी उसमें मौजूद थे। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं, आपके बहुत ज्यादा नजदीकी थे जनरल विपिन सिंह रावत जी। देखो कल जब ये पहले खबर आई ना कि हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हो गया जिसमें जनरल रावत, मिसेज रावत और तुल लोग थे जी, तो हमको तो मतलब ये तो था कि बहुत ऊपर से गिरा है हेलीकॉप्टर और काफी सीरियस एक्सीडेंट है, लेकिन कहीं ना हमको उम्मीद थी कि जनरल रावत जैसे पहले हुआ था जी। वो जब कोर कमांडर थे वहाँ पे दीमापुर नागालैंड में 2015 में जी, तो एक किसी ऑपरेशनल जरूरत मतलब कहीं ऑपरेशन चल रहा था उसको देखने के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे थे जी, और हेलीकॉप्टर उड़ा और फिर क्रैश हो गया जी। सर उस टाइम पे बिल्कुल बच के आ गए थे ये जी, तो तब हमें लगा कि शायद इस बार भी जनरल रावत जो है क्योंकि उनके साथ ना बहुत लोगों की भावनाएं भी हैं, तो हमें लगा कि शायद बच के आ जाएंगे, लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेट खबर आई है कि नहीं बचे हॉस्पिटल में रहने के बाद भी जी। पर उसके साथ में एक चीज और भी है, मतलब इनका ना अगर कोई बैकग्राउंड देखे जनरल रावत का जी, इनके पिताजी पहले गढ़वाल राइफल में सिपाही होते थे जी, फिर उसके बाद वो कमीशन में अपनी मेहनत से कमीशन होकर ऑफिसर बने जी, गोरखा रेजिमेंट में गए 11GR में जी, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हुए वो जी, उन्हीं के जो मतलब नौकरी थी उससे मतलब उत्साहित होकर जनरल बिपिन रावत भी इंडियन आर्मी में गए जी, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जब पासिंग आउट परेड होती है तो पास आउट हुए तो वो बेस्ट स्टूडेंट बने वहां पे जी। फिर इन्होंने मतलब ये ना जैसे ब्रिगेड कमांड करना है ब्रिगेडियर, वो भी दिखता है किसकी कितनी काबिलियत है जी, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ब्रिगेड कमांड करी जी, यूएन मिशन में विदेश में जी। फिर जब ये मेजर जनरल बने तो इन्होंने बारामूला में डिवीजन कमांड करी जहाँ पे आतंकवादियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, फिर उसके बाद में इन्होंने 3 कोर कमांड करी दीमापुर नागालैंड जहाँ पे की जम्मू अपना नॉर्थ ईस्ट की सारी मिलिटेंसी के इलाके होते हैं इनके अंडर में थे जी, फिर ये अपना चीन का बहुत बड़ा एरिया इनके अंडर में आता है जी, फिर ये उसके बाद में आर्मी कमांडर बने ईस्टर्न कमांड जो पूरा चीन का जो असली जो बॉर्डर है वो सारा का सारा अरुणाचल वगैरह सब जिसके अंडर में रहता है, वहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज की वजह से इनको वहाँ भेजा गया जी। एक सवाल ये भी उठता है कि आपके बहुत ज्यादा नजदीकी माने जा रहे हैं ये, आपकी कुछ फोटोएं भी शेयर हुई है, क्या कह रहे हैं सर आपके बहुत ज्यादा मतलब नजदीकी भी माने जा रहे हैं, आप मिलते रहते थे इनसे, उनको लेकर के क्या कहना है, अब उनका निधन हो चुका है। हाँ मैं उसी पे आ रहा था कि क्योंकि इनकी ना नौकरी इस तरीके की रही, फिर उसके बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, CDS बने जी, और इन्होंने बहुत अच्छा आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो प्लानिंग है उसको इम्प्रूव करा, मेरा इनसे संबंध जब मैं मेजर सर ये दिल्ली में कर्नल थे, आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे जी, तो हमारा तो जितना भी मिलिट्री करियर रहा है उसमें जो गाइड करना है एक जूनियर को अच्छे तरीके से वो सब इन्होंने करा है जी, एक मेंटर जिसे बोलते हैं हमारे जी जी, और उसके बाद इसका संबंध रहा है, फिर मैंने दिल्ली में जब पलटन कमांड करी तो वहाँ पे ये मेरे सबसे अच्छे मेरे एडवाइजर होते थे, मेरे को बताते थे जी, जी। अभी हाल ही में केदारनाथ आए थे वो 2019 में जी, और उसके बाद में फिर मैं उस टाइम गंगोत्री में था तो वहाँ पे इंद्रनाथ जी जो हमारे गुरु जी थे उनके आश्रम में हमने इनको रिक्वेस्ट करी तो रावत दोनों आए थे जी, 4-5 घंटे वहाँ पे रहे, बड़े अच्छे उन्होंने करी मिसेज रावत ने, बल्कि उस आश्रम को देख करके गंगा नदी को देख करके ये भी बोला कि मैं एक हफ्ते के लिए आकर के यहाँ पे रुकूंगी जी। 2019 नवंबर में हमारा को अपहरण कर लिया गया था वहाँ से, जब हम बर्मा गए थे एक सड़क बनाने के प्रोजेक्ट की रेकी करने के लिए जी, तो उस दिन ये यहाँ पे थे टीडी में, टीडी जी के पास एक फंक्शन हो रहा था वहाँ पे जी, और वहाँ से फिर इन्होंने पूरी मतलब बार्गेनिंग नेगोशिएशन दबाव डालना मिलिटेंट ग्रुप के ऊपर हमारे को छुड़वाने के लिए कोशिशें करी जी, हमारे साथ एक इंजीनियर था, इंजीनियर की डेथ भी हो गई थी जी, अभी ये अपना
जब मैं उत्तरकाशी में था ये तो वैसी वाली है, लेकिन एक बड़ी अच्छी इन्होंने मेरे को एक दिन एक भोटिया कुत्ते का बच्चा भी मेरे से मंगवाया था कि इसको पालना है हमने जी, श्रीनगर कहीं भेजा था तो वो भी हमने एक बार भेजा था। तो इस तरीके से हमारे ना संबंध थे। अभी मार्च में मिला था यहाँ देहरादून आने से पहले बनवा आया था जी। आज इत्तेफाक से ये मतलब एक अजीब सा हादसा हो गया, खरी चीजें हो गई जी, लेकिन साथ में ये भी है कि उनके साथ जो अभी उनके डिक्लेयर तो नहीं हुआ, अभी ग्रुप कैप्टन वो तो अभी जिंदा है जी, जो पायलट थे जी। हमें दुआ करनी चाहिए कि बद्री विशाल, केदारनाथ बाबा, काली का माता, इन सब के इलाके से कि कुछ भी हो, ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन जो ग्रुप कैप्टन साहब है वो फिर भी जिंदा बच जाए जी। हमें ये सब दुआएं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कल मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, उनका फ्यूनरल है, कल वहाँ जा रहा हूँ करने के लिए जी। पहले उनके घर जाऊंगा, फिर शाम को फ्यूनरल है तो वहाँ जाऊंगा जी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, ओके।